आप एक कहा जाए तो एक सेलिब्रिटी के रूप में गोरखपुर के एक पहचान बन चुकी हैं, और पहचान बन चुकी हैं, और किसी को फुहरी कह देना कितना क्या उचित है। इसमें गाली तो नहीं दी है, गाली तो नहीं दी है, लंगना कहना, नहीं नहीं गाली नहीं दी है। हम बोल रहे हैं तब क्यों, मतलब कहें अश्लीलता खत्म करना चाहती है और फुहरी को प्रमोट करना चाहती है। रिकॉर्ड करेंगे शॉर्ट वीडियो में, हम जान रहे हैं चीजें। किसी को इन्होंने फुहरी नहीं कहा है और न किसी को लंगड़ा कहा है, और खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के। कहीं नहीं, हम वीडियो में अगर दिखाएंगे। अरे तो हम बता रहे हैं, पानी बता रहे हैं, कौन बोला तो आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब ये कहीं नहीं है, तो सुन लीजिए कौन बोला। साठ वीडियो नहीं चलाएंगे। अरे सर, हम साठ भी चलाए, कुछ भी चलाए, लेकिन एक कहीं है ना, क्यों आप उनको इनका मतलब बचा रहे हैं। इसे कवाया गया है, कवाया गया है, बच्ची है, छनछन है। वो बोली हमको फुहरी बोलो, फुहरी मतलब वो उनको फुहरी, कहीं हम फुहर बन के वायरल भइल बानी तो हमको फुहरी कह, हम चाहते वो खुद कहीं हम फुहरी है, वो खुद बोली है। एक मिनट रुकिए, वो खुद बोली है कि हमको फुहरी कहा, हम तो फुहरी हवा कर ली, हम फुहर बन के वायर बार बार। एक मिनट दोस्तों, देखिए हम बता देते हैं आप लोगों को, वीडियो में काट के चलाया जाएगा। एक मिनट, शॉर्ट वीडियो में आप लोग अगर देख रहे हैं तो हम बता देते हैं, वो खुद बोली है कि हम फुहर, भगवान हमको बनाए हैं तो हम क्या करें। सोशल मीडिया से फुहर फल खत्म करना चाहती है। जो वायरल हुए निर्मा से दो दो के, लेकिन अब वही से जन वायरल बलवाकर क्या करेंगे तन बताइएगा। बड़ी सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए बड़ी सवाल, वो बड़ी वाला नहीं है, छोटी वाले नहीं, वो आए थे चले गए, इन्होंने तो बड़ी वाले आए थे नहीं आए थे, केवल समझ गए। एक सर ये बोली थी, एक गाना आता था हमारा, गाना आप बोल चुप रहिए, गाना आता था हमारा, जो भी गाना आता था तो उसको हम लोग बढ़िया से शूट करते थे। आप समाज से अश्लीलता खत्म करना चाहती है, और अश्लीलता खत्म करने से पहले बहुत लोगों का आरोप है कि आप खुद अश्लीलता वीडियो बनाती हैं। ये गलत है सर, ये गलत है, हम बता देते हैं आपसे। पहले जैसे कि हमने पहले इंटरव्यू में कई बार बोल चुके हैं, हम बोल चुके हैं, हम लोग जल्दी एक मिनट, अश्लील आपका है नहीं, वैसा कोई वीडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं है। गाना वाना कभी मुंह से जैसे बुझौनी वाला होता था, शादी ब्याह में भी चलता है गाना सर, शादी ब्याह वाला, तो उधर हम कई बार गाना गौले रहनी है, तो देवर पहुना कहें मतलब दूसरे से नहीं नहीं, ये गलत है, उसपे मेरा एक गाना भी बना है। देवर पहुना जैसे हमारे गाँव का एक होता है ना, देवर को पहुना ही बोलते हैं ज्यादातर, अक्सर करके बोलती है। आप सुने, ये गाली नहीं है, गाली नहीं, नहीं नहीं गाली नहीं है, हर औरतें बोलती है गांव की जितनी भी, यानी कि गाना भी हम गाए हैं तो ये भी अश्लील है तब तक, यानी कि आप लोग जानते हैं जहां तक कि हमारा कभी भी अश्लील गाना नहीं आता। शुरुआत की है पहल अश्लीलता को, जी जी, तब से लेकर अभी तक, जब से लेकर अभी तक कितने लोग आपके साथ आए? बहुत लोग आए, बहुत ज्यादातर मीडिया भाई लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बहुत सारी लेडीज है, बहुत से ब्लॉगर है जो छोटे छोटे ब्लॉगर है, और बहुत से बड़े बड़े भी ब्लॉगर है, लेकिन खुल के अभी जैसे नाम लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, बहुत से बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से, बहुत सी ऐसी बहने हैं जो ब्लॉग बनाती है, छोटा छोटा चैनल, 10,000-15,000 वीडियो डिलीट हुआ, समझ सकते हैं ना कितना बड़ी बात हो गई। अब कितने कोई भी अश्लील वीडियो बनाएगा, चैनल है जो एकदम सुधरने का नाम ही ले रहा है, उसके ऊपर एक आप कोई एक टीम बनाइए, मेरा सजेशन समझिए बात को, एक अपने लोगों का एक टीम बनाइए। कोई भी अगर समाज में इस तरीके से अश्लीलता फैलाता है, क्योंकि हर घर के बहन देखती है, बेटी देखती है, माता पिता सब देखते हैं, तो आप उन लोगों को बताइए, ऐसा ब्लॉग बनाइए, पारिवारिक वाला बनाइए, सब लोग देखे, उन लोगों को एफ आई आर हो, एक चीज सुन लीजिए, एफ आई आर हो, उनको जेल भेजने का काम करिए आप, क्योंकि आप एक स्टार बन चुकी है, अगर आप नहीं पहल करेंगे इस तरीके का तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बड़ा होगा। और आप फेसबुक पे आगे, इंस्टाग्राम पे आगे, यूट्यूब पे आगे, अश्लीलता को खत्म करना चाहते हैं तो उसी पर रह जाएगा ना, धरातल पर काम करना है तो भाई, तो इसके लिए भी हम सोचे, इसके लिए भी हम सोचे, बहुत लोग बोले हैं कि किसी को कमेटी का एक मेंबर चुनसी है, तो इसमें हम मेंबर किसी यूट्यूबर को नहीं चुन रहे हैं, ना ही हम खुद हो रहे हैं, इसके इसको हम खुद पब्लिक रहेगी भाई, पब्लिक है, और देखिए पब्लिक जाएगा, पब्लिक से भी बढ़ के है, एक मिनट, पब्लिक से बढ़ के जो है मीडिया है, हम सारे जो जितने मीडिया वाले हैं सभी लोग, हम लोग किसी दिन जैसे हमारा, अगर हम देख रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर चार बार समझाए नहीं माना तो किसी एक मीडिया वाले के पास हम कॉल करेंगे, और वो मीडिया सारे मीडिया वालों को कॉल करेंगे, और सारे मीडिया वाले इकट्ठा होते हैं एक जगह, हम भी आते हैं सीधे उसके घर पे धावा मारते हैं, ठीक है, और उसको
पुलिस में बाद में देंगे, पहले थप्पड़ थप्पड़ देंगे, क्योंकि उसको चाची मामी मौसी फुआ कह कह के समझा चुकल बानी, हमके उल्टा सीधा बहुत गरियावत लिया। ये जो रूप है आपका, ये रूप ठीक है संवैधानिक तरीके से? देखिए हम थोड़ी मारेंगे, हम थोड़ी मारेंगे, उन्हीं के गांव के लोग ही ऐसा करेंगे, क्योंकि वो गांव के बच्चों को का भी भविष्य खराब कर रही है। अगर हम अश्लील वीडियो बनाते हैं तो क्या हमारे बच्चे नहीं खराब होंगे? वो लोग जेल जाएंगे, बस यही होगा। और मीडिया वाले अकेले नहीं जा पाएंगे कोई भी काम। मेरा सजेशन आपको यही है, किसी भी अगर कोई अश्लील बनाता है, चाहे मुझे बुलाइए चाहे मत बुलाइए या अदर मीडिया वालों को बुलाइए, ठीक है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, लेकिन संवैधानिक तरीके से करवाइए, ठीक है, जिससे समाज में ये जाए कि हम संवैधानिक तरीके से उनको कार्रवाई कर रहे हैं, थाने चौकी जो भी संविधान के दायरे में रह के, ठीक, ऐसा करिए। तीन चार चैनल है जो कि सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। कार्रवाई कब तक हो रही है? जो तीन आप लोग जब कहिए तब हम तैयार हैं। आप जब कहिए, और एक चीज हम आपसे बताना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई अश्लील समाज में बनाता है, क्योंकि बता रहे आप वैसा बनाता है, तो मैं 24 घंटे उसकी रिलाई करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि अगर आप कहेंगे थाने चौकी जहां भी जाना होगा वहां चलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को पता चल रहा है, थाने वाले भी तो घर का पता पूछेंगे, ऐसे तो काम करेंगे नहीं। कोई भी होगा, हमें पहले उसका फुल प्रूफ एड्रेस निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। उसका जो हाँ उसका एड्रेस निकालेंगे आरती न्यूज वाले गए थे वहाँ पे। अकेले नहीं ना, बहुत से लोग, तो निकल जाएगा। और देखिये, हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई वीडियो बनाता है, एक वीडियो अगर बनाता है बाई चैनल से बन गया तो आप प्राइवेट कर दो, अगर गलत वीडियो बन गया तो आप प्राइवेट कर दो। ये नहीं कि एक वीडियो अगर उसका कहीं डांस कर रहा है, कहीं कुछ दिख गया किसी दूसरे के कैमरे में, तो वो की बात दूसरी है, क्योंकि भाई शूट टाइम में अगर कोई बनाता है कहीं से दिख गया तो बात दूसरी, लेकिन तुम चैनल पे डेली बाई डेली एक दिन में दो वीडियो तीन वीडियो अगर अश्लील डालते हो बना के जानबूझ के, तो वो अश्लील है। अगर गलती से रिकॉर्ड हो जाता है कोई चीज़ें तो उसको अश्लील नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो जान के नहीं बनाया। मान लीजिए वो कहीं शूटिंग कर रहा हो, बाई चैनल से कोई कैमरा लेके गया, शूट टाइम में कहीं बन गया, बाई चैनल से निकल गया उससे अनजान में, और वो दूसरे के चैनल से जाता है, तो उसको आप नहीं अश्लील बोल सकते। हम सबके लिए कर रहे हैं, किसी के किसके चैनल पे गया है और वो डेली डाल रहा है कि कहीं बाई चैनल से शूट हुआ। अभी एक वीडियो किसी का बेचारे का बाई चैनल से शूटिंग के दौरान जाता है तो उसको नहीं मानना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप वीडियो बनाओ, अश्लील मत बनाओ। हर चीजें अगर दिखता है, अगर आपके चैनल पे है, बन भी गया है आपने, तो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो उसको आप प्राइवेट कर दो। तो मैं उम्मीद करूं आप इस पहल को आगे बढ़ाएंगी, जो तीन चार लोग हैं थाने चौकी पे भी जाएंगी उनके लिए, और मीडिया वाले आपके साथ हैं। और अगर आप कभी भी भविष्य में अश्लील ऐसा कोई वीडियो बनाती है, हमारे ऊपर खुद आप लोग कंप्लेन करिए, हम जाने के लिए तैयार है जेल, क्योंकि हाँ क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जाके खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। ये उम्मीद अगर आप कायम रखती हैं कि हम अश्लीलता नहीं परोसेंगे, ना अश्लीलता परोसने देंगे लोगों को, क्योंकि हम अकेले वीडियो नहीं बनाते, हमारा फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे सास है, हमारे ससुर है, हमारे क्या फैमिली वाले नहीं देखते होंगे वीडियो, हमारे मायके के लोग नहीं वीडियो देखते होंगे। जो इज्जतदार घर की संस्कारी लड़की होगी ऐसा कभी नहीं करेगी। तो उम्मीद करते हैं, गोरखपुरिया भौजी हैं, उनके पति महादेव हैं, इनके मैं कहूं तो इनका एक पहल में मैं भी जुड़ा हूं, और मेरे पहल से एक दो सजेशन इनको दिया, अच्छा भी लगा है, और जल्द ही ये थाने चौकी पे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी। तो चलिए, मैं फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोरखपुरिया भौजी और इंडियन न्यूज़ डे का भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी अश्लीलता को ख़त्म करना और देखना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में तमाम तरीके से माताएं बहनें और बहुएं हैं जो ब्लॉग बना रही हैं, तो मतलब मैं कहूँ तो सच्चा और सही और मतलब अश्लील को खत्म करके सलील तरीके से बनाएं, तो अच्छा वीडियो बनाएं। बूढ़ी बूढ़ी हैं सब बना रही हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे लग रहा है उन लोगों को सांप सूंघ गया, जैसे मतलब सुनाई नहीं दे रहा उन लोगों को, बोलने के बाद सुनाई नहीं दे रहा है। कह रही है कि तुम भी तो तीन तीन बच्चों को लेके बनाती हो, तो बच्चों को लेके नहीं बनाए तो क्या गाँव में के दो लंडन के पकड़ लें या ओकरे साथ ही वीडियो बनाई। यानी मैं कहूँगा लास्ट में जाते जाते, अगर आप अश्लीलता को ख़त्म करना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं, गोरखपुरिया भौजी से जुड़िए और महादेव से जुड़िए और इनसे संपर्क करिए और इनके साथ आइए, जो अश्लील बना रहा है उसको सबक सिखाने का काम करिए। हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप लोग अश्लील को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे छोटे यूट्यूबर हो, चाहे बड़े यूट्यूबर हो, चाहे छोटे मीडिया वाले हों, चाहे जो भी हो भैया, चाहे बड़े वाले, हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, मिलजुल के काम करेंगे। अकेले हम भी नहीं कर पाए,
पाएंगे, अकेले आप लोग भी नहीं जब तक सब कोई मिलेंगे नहीं। अकेले चना भार नहीं फोर सकता, यानी सबका साथ, आप लोगों का साथ चाहिए इनको, तब जाके अश्लीलता खत्म होगा, साथ सबका विकास, उसके बाद सबका विकास होगा। किसी का घर और बनवाइए नहीं, अपन घर नहीं बनवा पोनी, दूसरे घर का बनवा। चलिए जय हिंद, हमारे दिखा दो भैया कैमरा में, तन घुमा दो। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नए खबर के साथ।